हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है फूल मखाने के मोदक बनाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं मोदक बनाना। मोदक बनाने के लिए ये हमने 60 से 70 ग्राम फूल मखाने लिए हैं और एक कटोरी हमने मलाई ली है और एक कटोरी हमने मिल्क पाउडर और एक छोटी कटोरी हमने देसी खांड ली है। आप चाहे बूरा भी ले सकते हैं। और ये मैंने थोड़े से पिस्ते को कट कर लिया है और थोड़ी सी हमने टूटी फ्रूटी ली है। तो आइए बनाते हैं मोदक। ये हमने कढ़ाई ली है, रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट कर लूंगी मखानों को, मैं इसमें घी नहीं डालूंगी, ऐसे ही सूखे रोस्ट करेंगे हम। और ये हमारे मखाने रोस्ट हो चुके हैं। मैं थाली के अंदर निकाल लेती हूँ। ठंडा होने के बाद मैं इसे मिक्सी जार में ग्राइंड कर लूंगी। ये हमारे मखाने पीसकर तैयार हो चुके हैं। अब मैं कढ़ाई के अंदर ये मलाई डालूंगी, जो मैंने एक कटोरी मलाई ली है, और इसे मैं अच्छे से हिला लूंगी। अब मैं इसमें ये मिल्क पाउडर डालूंगी। ये मैंने इसमें मिल्क पाउडर डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसके अंदर ये मखाने डाल दूंगी। ये मैंने इसमें सारे मखाने पाउडर डाल दिया है, इसे अच्छे से मिक्स करूंगी मैं। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है और अब मैं इसके अंदर ये टूटी फ्रूटी डालूंगी। और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और अब मैं इसमें ये खांड डाल दूंगी और ये अच्छे से मिक्स करूंगी इसे मैं। और गैस को मैं बंद कर देती हूँ। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और अब मैं इसे ठंडा होने दूंगी। और अब मैं इसमें थोड़ा सा ये पिस्ता डाल देती हूँ और थोड़ा सा मैं बचा लूंगी। इसे मैं अब हाथ से अच्छे से मिक्स कर लूंगी और ये और मैं इस और ये देखो मोदक हमारा कितने अच्छे से बनकर तैयार हुआ है। ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है। और इसी प्रकार से मैं अपने सारे मोदक बनाकर रेडी कर लूंगी। थोड़े से मैं इसमें पिस्ते के डाल दूंगी। आंटी का है, काटियो। काट दिया ना आंटी का, सुनियो। ये हमारे मखाने के मोदक बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।